एक बार एक लड़का अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है। तो उसके पिताजी ने कहा कि अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ की वैल्यू जानी है तो मेरा एक काम करो। उसके पिताजी ने उसे एक पत्थर देते हुए कहा कि ये लो इसे बेच कर आओ, और अगर तुमसे कोई इसका प्राइस पूछे तो तुम्हें कुछ नहीं बताना है, बस दो उंगली खड़ी कर देनी है। ऐसा कहकर उसके पिताजी ने कहा कि कल तुम्हें इसे बाज़ार में बेच कर आना है। उसने वैसा ही किया, अगले दिन बाजार गया और एक जगह खड़ा हो गया। बाद में एक आदमी आया और उससे पूछा कि ये पत्थर कितने रुपए का है। तो उसके पिताजी ने जैसा कहा था उसने दो उंगली उठाई और उस आदमी ने कहा क्या 200 रुपये। वो लड़का हैरान रह गया कि मामूली पत्थर के 200 रुपये देने पर है। वो भाग कर अपने पिताजी के पास गया और कहा कि पिताजी इस मामूली पत्थर के वो आदमी 200 रुपये देने को तैयार था। तो उसके पिताजी ने कहा अब तुम इस पत्थर को एक म्यूज़ियम में लेकर जाओ। तो वो लड़का अगले दिन म्यूज़ियम में गया और उस पत्थर को वहीं लेकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद एक औरत ने उससे पूछा इसका प्राइस क्या है। तो उसने उसके पिताजी ने जैसे कहा था उसने दो उंगली उठाई और उस औरत ने कहा क्या 20,000 रुपये। वो लड़का हैरान रहकर भाग कर अपने पिताजी के पास गया और उसके पिताजी को कहा कि इस मामूली पत्थर के वो 20,000 देने को तैयार थी। तो उसके पिताजी ने कहा कि ये लास्ट बार है, तुम इसे कीमती पत्थरों की दुकान पर लेकर जाओ और तुम्हें वैसे ही करना है, दो उंगली उठानी है। वो भाग कर कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और वहाँ जाकर एक आदमी ने कहा कि इसका प्राइस क्या है, इसे मैं सालों से ढूंढ रहा हूँ। तो उसने दो उंगली उठाई और उस आदमी ने कहा क्या 2,00,000 रुपये, मैं इसे 2,00,000 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ। वो भाग कर अपने पिताजी के पास गया और कहा कि पिताजी वो मुझे 2,00,000 रुपये देने के लिए तैयार था। तो उसके पिताजी ने कहा तो तुम समझ गए होगे कि इस पत्थर की क्या वैल्यू है, ऐसे ही तुम्हें अपने को कहाँ रखना है ये तुम खुद डिसाइड करना होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो